नाम क्या अंकल जी आपका? श्याम लाल। आपका यहीं के रहने वाले? हाँ, संकटपुर। संकटपुर है। ये बस रेयर में ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये कौन सा वो है, वेराइटी कौन सी है ये? पानी आती है। तो आप मतलब ये फसल फरवरी में बोई होगी, जनवरी फरवरी में? अच्छा, तो ये भी कहा जाता है जैसे बारिश हो जाती है उसके बाद ज्यादा बढ़िया होती है फसल, तो इस बार तो बारिश भी नहीं हुई बिल्कुल, तो नुकसान हुआ होगा। अच्छा, तो बारिश की वजह से दाने थोड़े से मतलब कमजोर हैं। अच्छा, तो ये अपने इटावा मंडी ले जाते होगे फिर आप? तो कब से? अभी अभी से जाना शुरू हो जाएगा अभी लगभग। तो हम पीछे देख के आ रहे हैं, बहुत सारी फसल है अभी जो वो अभी खड़ी है आपके जैसे पक चुकी है पूरी, अभी कई बहुत सारी हरी फसल है, तो वो मतलब लेट बोई गई होगी है ना? अच्छा, तो आपकी मतलब खेती कितनी बीघा है? मतलब खर्चा वर्चा परिवार को निकल आ जाता है? ठीक ठाक। कितने बच्चा हैं आपके घर पे, मतलब कितने लोग हैं? दो बच्चे हैं। स्कूल भेजते हो आप उन्हें? ना, अभी जावर का पाए पाए काम पकड़ा है। बड़े हो गए अभी हैं? अच्छा अच्छा, चार महीने लगते लगभग पूरा है तैयार होने में? चार। इसका क्या करते हो जैसे इसका ये बच जाता है, इसका रस्सी वस्सी? हाँ, मतलब पहले देखा था कि पहले वाले कुछ लोग जो बूढ़े वाले लोग थे वो रस्सी वस्सी बुनते थे इनकी। हाँ, अब क्या मतलब सस्ता बहुत मिल जाती है रस्सी, अगर जरूरत पड़े तो मिल ही जाती है अपने आप। टाइम आम कौन तो जलाई जला वाला देते हो? अच्छा, कोई यूज भी नहीं? जैसे पहले पशुओं को भी वैसे काट के खिलाया जाता था वो? नहीं, वो तो नहीं अब भाई ये। अच्छा अच्छा, माफी वाली। अच्छा जी, नुकसान बहुत नुकसान लायक है। तो बाजरा सुना खिला देते उसका है? आपका नाम क्या? हमारा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार, कहाँ यहीं के रहने वाले हो आप? शंकरपुर के। अच्छा, तो आपकी खेती कहाँ पे है? अच्छा, बम्बा उस तरफ। तो आपके खेत में भी क्या है? गेहूं था। तो घर के यूज के लिए होते हैं? इतने ही हैं। अच्छा, खेती कम जमीन है। अच्छा अच्छा, तो बेचते वगैरह नहीं हुए आप, है ना? तो और चीजें क्या करते हो गेहूं के अलावा? गेहूं हो जाते हैं, मक्का हो जाए। तो लहसुन वगैरह तो बेचते हो गए आप? लहसुन बेचते हैं। तो नहीं, तो वो क्या रेट मतलब ठीक ठाक पड़ता है? अगली साल तो ऐसे भी बोलो 2-3 रुपया किलो। हाँ, तो ये हो ऐसे मान लो। तो पिछली मतलब पहले तो कम से कम ने सुना 10,000 रुपए क्विंटल जाता था। हाँ, पिछली बार जाता था। तो नहीं, अब इन साल जो है जरूर 3-4 हजार रुपया। अच्छा, नहीं अब कई बार बहुत महंगा हो जाता है, कई बार पता वो रेट विभाग कोई रेट नहीं है। अच्छा, बहुत महंगा हो जाए किसी बार तो फेंक जाए आदमी। इसके बारे में ये भी कहते हैं एक तरीके का जुआ है ये। जुआ है, जुआ कहे मतलब अगर रेट बढ़िया मिल गए तो फिर जीत गए, वही है। और उसकी फसल भी थोड़ी सी मतलब उसके केयर ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इसमें दवाई वाई छिड़काव का बहुत सारा करना पड़ता है, मतलब कीड़े भी लग जाएंगे। 10-15 साल पहले ऐसा तो दवाई बहुत कम पड़ती थी, अब तो आज सूढ़ी पकड़ ले कीट पकड़ ले उखटा लग जा। तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, स्कूल जाते हैं? भेजते हो आप ना स्कूल? चले तो सरकारी स्कूल में जाते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं? सरकारी में जाते हैं, अब सरकारी में सीखे नहीं है, प्राइवेट में भेजने लगे। अच्छा, सरकारी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? यहाँ पे सिंचाई वगैरह होती है खेत की, तो ये आपके बगल में बम्बा गया है, इससे करते हो क्या ट्यूबवेल वगैरह? बम्बा तो होते हैं और जिस बम्बा नहीं याद है तो टेबुलर से करते हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर से पानी कम आ रहा है। इसका कुछ जैसे बम्बा से करते हो इसका कुछ चार्ज वार्ज लगता है? चार्ज कुछ नहीं लगता, माफ है। माफ है, अच्छा, किसानों के लिए भी माफ है। तो अभी इसमें अब इसके बाद क्या फसल होगी? धान की फसल होगी। अच्छा, मतलब कितनी फसलें हो जाती हैं आपके अगर वो की जाए तो? गेहूँ करते हो आप? गेहूँ और मक्का, गेहूँ और धान। धान तीन चीजें, चार चार महीने लगते हैं। आलू ज्यादा है, आलू है। धान कर दो। हाँ, गेहूँ। अच्छा हाँ, और गेहूँ करके फिर धान हो जाता है।
अच्छा। आलू कर आलू आलू करके मक्का और फिर मक्का करके धान और धान के बाद फिर आलू। अच्छा कभी बार दो फसलें मिल जाती, कभी बार तीन फसलें मिल जाती। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।